क्या लगता है फ्रेंड्स, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? सोचिए ज़रा। जब हम शायद स्कूल में थे तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हम पढ़ाई करते थे, जब हम कॉलेज पहुंचे तो एक अच्छे जॉब के लिए पढ़ाई करते थे, और जॉब में थोड़ी बहुत पढ़ाई शायद इसलिए करें ताकि अच्छे से अच्छा प्रमोशन मिल पाए। तो फ्रेंड्स, हम ये पूरी जर्नी के अंदर हमने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन सीखा क्या? नहीं फ्रेंड्स, लाइफ में पढ़ने से ज़्यादा सीखना इम्पॉर्टेंट है। माई नेम इज़ शान आलम खान, एजुकेटर, मोटिवेशन स्पीकर एंड प्राउड ओनर ऑफ आलम ट्यूटोरियल। फ्रेंड, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन माई स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? और मैं बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा, हमें पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं करना है, हमें पढ़ाई सीखने के लिए करना है। जिस दिन हमने हमारी पढ़ाई पढ़ने से ज़्यादा सीखने के लिए करना शुरू कर दिया, नेम, फेम, सक्सेस, ये सारी चीज़ों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक एवरेज इंडियन जो है वो 24 से 25 साल की उम्र में अपने पहले प्रोफेशनल जॉब पे लगता है या काम धंधा शुरू करता है, और वो 60 साल की उम्र तक कम से कम जो है वो क्या करता है, वो काम करता है। तो एक 35 साल का पीरियड ये हमारे सामने आता है जिसके अंदर वो इस 35 साल के अंदर जो भी करेगा वो इसी से पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत जो है वो सब इसी से कमाएगा। तो ये 35 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे क्रूशल और सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। इन्हीं 35 सालों के बेस पे उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, इन्हीं 35 सालों के बेस पे वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएगा, इन्हीं 35 सालों के बेस पे वो एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी जीते हुए अपना बुढ़ापा सिक्योर कर पाएगा। इन 35 सालों का फाउंडेशन शुरू होता है 15 साल से 25 साल की उम्र से। 15 साल से 25 साल की उम्र में आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीखना है, सीखना है, सीखना है, जो मिले सीखना है, जो आपका मन कर रहा है वो भी सीखना है, और जो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव थोप रहे हैं वो भी आपको सीखना है फ्रेंड्स। उसको ज़िंदगी में अप्लाई करना है, मिस्टेक्स करना है बहुत ज़्यादा, जितनी मिस्टेक्स करना है अभी करना है, उन मिस्टेक से फिर सीखना है और आगे बढ़ना। इसके बाद आता है 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच का पीरियड। इस पीरियड में आपको बहुत अच्छा लीडर बनना है, आपको अपने अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है जिससे आपको बहुत सारे लोगों में काम करने का एक्सपीरियंस मिल सके और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके आपके साथ एक अच्छी टीम बना सके। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे। 25 टू 35 ईयर्स के पीरियड में आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे। अब हो सकता है ये रिस्क लेके अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपको अगेन ये सीखने मिलेगा कि दोबारा ये टाइप के रिस्क नहीं लेना है आपको। और फ्रेंड्स, इसी पीरियड के दौरान आपको किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी को अपना मेंटर बनाना पड़ेगा कि वो आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आपका आगे का रास्ता जो है वो सॉल्व हो सके क्लियरली। आप अगर किसी को मेंटर नहीं बनाते हो तो क्या हो जाएगा, जितना टाइम आपको लग रहा है आगे पहुंचने के लिए, मेंटर बनाने से आप उसके बहुत आधे टाइम में या उससे बहुत कम टाइम में जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आता है 35 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स के बीच का पीरियड। फ्रेंड्स, इस पीरियड में आपको एक्सपांड करना है। आपने जो सीखा, जो रिस्क लिए, जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया, जो गुडविल कमाया मार्केट के अंदर अपना, अब इन सब चीज़ को यूज़ करके आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस अगेन, इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स, अब आपको एक्सपांड ही एक्सपांड करना है। आफ्टर 45 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक का ये पीरियड है फ्रेंड्स सिक्योर करने का। आपने जो भी सीखा, जो रिस्क लिया, जो गुडविल कमाया, अब इन सब चीज़ से अपने जो आपने नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत जो भी कमा लिया, इसको सिक्योर करने का और इसको सिक्योर करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने का, आगे बढ़ाने का जो है, ये है वो पीरियड। एंड आफ्टर 60 ईयर्स फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कुछ लोग 60 साल के पहले भी इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। आप जो कुछ भी हो, आप एक समाज से हो, एक कम्युनिटी से हो, आप एक स्टेट, एक कंट्री से बिलोंग करते हो, अब आपको क्या करना है, उसको वापस देना है। आफ्टर 60 ईयर्स और बिफोर 60 ईयर्स आप कोशिश करिए कि आपको सोसाइटी को वापस देना इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ से सीखा है वो कोशिश करिए कि ना अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप छोटी से छोटी उम्र में भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, शर्त यह है कि आप सीखने को तैयार हो कि नहीं। फ्रेंड्स, पढ़ना नहीं है, सीखना है। ये वीडियो किसी भी तरीके से अगर आपके दिल को छुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।